देखो। राजनांदगांव में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हो जाने से पूरे देश में शोक की लहर है और सभी इन वीर सपूतों को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में व्यापारियों ने भारत बंद का आह्वान करते हुए अपने प्रतिष्ठाने व दुकानें बंद किए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हो गए थे। घटना के बाद भी पूरे देश में शोक की लहर थी। उसके बाद पूरा देश इन वीर सपूतों को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसे लेकर राजनांदगांव जिले भर के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी और देश के इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवादियों पर आक्रोश जता रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान से बदला लेने की बात भी कर रहे हैं। वहीं शहर के भारत माता चौक में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सराफा व्यापारियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पुलवामा के हमले में आतंकवादी संगठन ने जो हमला किया है उसमें 42 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और नई ताज़ा खबर के अनुसार आज भी 3 जवान शहीद हुए हैं और 1 नागरिक शहीद हुआ है। इस तरह का जो हमला आतंकवाद द्वारा किया जाता है यह कोई आज नहीं, ये कई सालों से चला आ रहा है। इसको रोकना हमें बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार से हम नमन करते हैं कि इस आतंकवाद को रोकने का एक ठोस निर्णय लिया जाए ताकि दोबारा आतंकवाद हिम्मत ना करे। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, एशियन 24।